Hello and welcome back to my channel. I am Manisha and I'm back with yet another video. Well, today's video is really special and very personal. Today I'm going to talk about journaling. I've recently received a journal, that is Jagruk Journal for 2023 from Labor Law Advisor. If you remember, 2022 mein Labor Law Advisor ne pehla journal nikala tha and this is the second journal that they have come out with. So 2022 mein bhi maine journal ko review kiya tha. I'm using it and loving it. But today स्पेसिफिकली मैं 2023 के जर्नल के बारे में बात करने वाली हूँ और साथ में बात करने वाली हूँ इसके फीचर्स के बारे में एंड अबाउट जर्नलिंग इन जनरल. इससे पहले कि मैं जागरूक जर्नल 2023 के बारे में बात करूँ, मैं आपसे पर्सनली अपनी जर्नलिंग की जर्नी को शेयर करना चाहूँगी. वेल, आई हैव बीन जर्नलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ. मैंने बचपन में डायरी लिखने से शुरू किया था. सो इनिशियली मैं अपनी डायरी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती थी. कहीं मैं अपनी डेली थॉट्स, इमोशंस या फिर एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखती थी और एक हिस्से में मैं अपने फाइनेंसेस को डॉक्यूमेंट करती थी और एक ऐसा सेक्शन होता था जहाँ पर मैं अपने गोल्स एंड टारगेट्स के बारे में लिखती थी और फिर मैं उसको देखा करती थी कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद कि ये मेरे टारगेट्स है, गोल्स है या फिर इस दिन ये एक्सपीरियंस हुआ था. लेकिन फॉर्चुनेटली अभी ऐसा टाइम है कि हमारे पास मार्केट में बहुत सारे प्लानर्स अवेलेबल है जागरूक जर्नल जैसे, जहाँ पे कि हम लोगों को सेक्शन में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. सेम एक ही पेज पे जैसे जनवरी 1 से लेकर आप दिसंबर 31 तक हर दिन एक ही जगह पे अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी गोल्स, हॉबीज और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं. सो अभी आई थिंक इट इज बिकम ईजियर फॉर पीपल लाइक अस टू डॉक्यूमेंट एंड टू जर्नल. लेट्स अनबॉक्स दिस पर्टिकुलर जर्नल, जागरूक जर्नल फॉर 2023. सो ये है जागरूक जर्नल का पूरा पैकेज जिसमें दो जर्नल्स है फॉर 6 months ईच. साथ में ये सुंदर से बुकमार्क्स है जिनको मैं यूज करने वाली हूँ और ये है स्टिकर का पैकेट. And to avoid bulkiness this time, there are 2 journals, so you can easily carry it with you. It has a goal planner, monthly planner, habit tracker, to-do list, and expenses tracker. And it asks you 2 questions every day. I will remember today by, where you can write about your day, the important thing to remember, the learnings, lesson, anything that you want to write. And the second question that changes every day, which will help you to know yourself better and reflect as well. और लास्ट में बकेट लिस्ट के लिए एक पेज है जहाँ पर आप अपनी बुक्स, पॉडकास्ट, कोर्स, मूवी, सीरीज, ट्रैवल, लेजर या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बकेट लिस्ट में होनी है, होनी चाहिए, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं. सो यू डोंट फॉरगेट इट. जागरूक जर्नल 2023 की अगर पैकेजिंग की बात करें तो इसका कंप्लीट वाइब ही चेंज कर दिया गया है. फीचर्स बहुत सारे सेम है लेकिन बाहर से अगर इसका लुक देखें तो एक तो सबसे पहले बल्किनेस को अवॉइड करने के लिए इस बार 2 journals है 6 months के लिए. दूसरा, इसका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है. स्पायरल बाइंडिंग है और बहुत ही ईजी हो जाता है कैरी करना इसे. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जागरूक जर्नल 2023 आई थिंक उन सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि जर्नलिंग शुरू करना चाहते हैं. सो इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग टू यूज द प्लानर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई थिंक जागरूक जर्नल 2023 इज द राइट चॉइस. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बस हमें उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत होती है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है. अगर हम उसे लिख लेते हैं तो हम उसे अचीव करना, उसके लिए जो भी हमें मेहनत करनी है, एफर्ट्स करनी है, वो हम कर पाते हैं. तो आसान हो जाता है लिखने के बाद, एक्नॉलेज करने के बाद कि हमारे टारगेट्स हैं, सेट गोल्स हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है. फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं एंड अल्टीमेटली हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं. अगर आप भी जर्नलिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लानर, कौन सा जर्नल खरीदे, तो आपके लिए जागरूक जर्नल बेस्ट चॉइस है. यू कैन यूज माई कोड Manisha50 टू गेट अ डिस्काउंट. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आज के लिए इतना ही. विल बी बैक विद येट अनदर वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर.